आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवसीय थीम की तर्ज पर भारत के 75 प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भारत सरकार के निर्देश पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हाथरस सदर क्षेत्र के DRV इंटर कॉलेज में योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। योग दिवस के दौरान लगभग 2000 से अधिक लोगों ने योगासन किया। योग दिवस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही जिलाधिकारी रमेश रंजन, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य, अपर जिलाधिकारी और CDO के साथ ही जिला प्रशासन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने DRV कॉलेज के मैदान में योगाभ्यास किया। योग गुरु ने योगा करते हुए बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए योग करना अति आवश्यक है और योग करने से व्यक्ति का मन स्वस्थ रहता है और योग करने से शरीर से अनेकों बीमारियां खत्म हो जाती है। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ, जिस हाथ में कलावा बांधते हैं वो घुटने के ऊपर, बहुत ज्यादा आगे नहीं ले जाना, बहुत ज्यादा पीछे नहीं ले जाना, कलावे वाले भाग को घुटने के ऊपर। आपके अंदर उस परम सत्ता की ऊर्जा भर चुकी है, आप ऊर्जावान हो चुके हैं, आप में देवत्व जागृत हो चुका है। आगे के प्राणायाम की स्थिति में इसमें भी श्वास अंदर भर करके कुछ क्षण रुकेंगे, वापस आएंगे, पैर उठाते समय घुटने नहीं मोड़ते। साथ ही योग दिवस पर हाथरस आए राज्य मंत्री सुमेंद्र तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना युवाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। सर, देश में युवाओं के द्वारा जो अग्निपथ योजना लागू की गई है उसका विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हिंदुस्तान युवाओं का देश है और देश के सच्चे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के द्वारा हमेशा देश को आगे ले जाने का जो काम किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 2014 के बाद, चाहे 2014, 17, 19 और 22, जिस तरह से देश की जनता और प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के सच्चे मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो कल्याणकारी नीतियां प्रदेश के अंदर लागू की गई हैं, देश के अंदर इसी तरह से सभी वर्गों को साथ लेकर काम करने का जो प्रयास किया जा रहा है, युवाओं के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना अग्निपथ के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिले और युवाओं की जो कौशल है उसे आगे लेकर जाने का काम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जाए।